देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे आम से लेकर खास वर्ग तक परेशान है। विपक्षी पार्टियां सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ मोदी सरकार का कहना है कि यूके और यूएस की तुलना में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम बढ़े हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार का बचाव किया है। हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हो रही है। देश में तेल के भाव महज 5% तक बढ़े हैं। मंगलवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में दूसरे देशों की तुलना में कम बढ़ोतरी हुई है। यह अन्य देशों की कीमतों का 10वां हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच पेट्रोल की कीमतों में अमेरिका में 51%, कनाडा में 52%, जर्मनी में 55%, ब्रिटेन में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58% की बढ़ोतरी हुई है। विदेशों की तुलना में भारत में कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दामों में बढ़ोतरी को रोका गया था, अब चुनाव के नतीजे के बाद लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो 22 मार्च से दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अभी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104.61 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की कीमत प्रति लीटर 95.87 रुपये हो चुकी है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 119.67 रुपये है और डीजल की कीमत 103.92 रुपये। कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत ने शतक बना दिया है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.32 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल शतक बनाने से 96 पैसे दूर है। चेन्नई में भी पेट्रोल ने सेंचुरी बना ली है और वहाँ पर प्रति लीटर 113.43 रुपये की कीमत से पेट्रोल बिक रहा है। एक तरफ दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से दामों में इजाफा हुआ है, हालांकि दामों में वृद्धि दूसरे देशों से कम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।